अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 28 नवंबर को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। इस बैठक में एजेंडा तय किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक आहूत किया है। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 28 नवंबर को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होनी है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। इस बैठक में एजेंडा तय किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक आहूत किया है। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 28 नवंबर को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होनी है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। इस बैठक में एजेंडा तय किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक आहूत किया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 28 नवंबर को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक की जाएगी। ये बैठक विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में होगी। वहीं इस बैठक में एजेंडा तय किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक आहूत किया है। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 28 नवंबर को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। वहीं इस बैठक में एजेंडा तय किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक आहूत किया है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता यशराज आनंद। यशराज, उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 29 नवंबर को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक की जाएगी विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूड़ी की अध्यक्षता में। क्या कुछ अधिक जानकारी है, किस तरह का एजेंडा तय किया जा सकता है इस बैठक में? उत्तराखंड में शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगी। 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक 5 दिन की शीतकालीन सत्र चलेगी। वहीं 28 नवंबर को एक कार्यमंत्रणा समिति आहूत की जाएगी। हेलो जी यशराज जी, आपकी कार्यमंत्रणा समिति आहूत की जाएगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ स्पीकर भी मौजूद रहेंगे और तमाम विषयों को उठाया जाएगा कि किन किन मुद्दों को वहां पर लिया जाएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी विधानसभा में कुल 500 प्रश्न आ चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार 5 दिवसीय जो ये कार्यकाल होगा, रितु खंडूड़ी भूषण ने कहा है कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो इसे और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। सरकार को यदि उसमें काम इसमें और लगेगा और आगे समय देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का ये हमेशा से मांग रहता है कि 5 दिवसीय सत्र चल रहा है, इसमें सत्र को और आगे बढ़ाया जाए। तो देखते हुए, काम को देखते हुए, यदि काम ज्यादा आ जाता है विधानसभा में सत्र के दौरान, तो शीतकालीन सत्र को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है।
उसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वहीं पर इस बार सबसे बड़ी बात है कि धामी सरकार के अनुपूरक बजट जो विधानसभा शीतकालीन सत्र में लाई जाएगी यह लगभग 4,867 करोड़ रुपए का हो सकता है, जिससे राज्य के अतिरिक्त 70,000 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भी किया जाएगा। तो इसलिए यह एक बजट के तर्ज पर भी देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। वही विपक्ष भी लगातार इन मुद्दों को मांग करते जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सत्र जो ये आहूत की जा रही है, इस सत्र में कई मुद्दों को उठाया जाएगा, उन्हें सरकार से बहुत सारी चीजों के विषय में बातचीत करनी, कई परेशानियों को उजागर करना है, जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के करना है, दूसरी सबसे बड़ी बात विधानसभा बैकडोर एंट्री को, कई भर्ती घोटाले हैं, दरोगा घोटाले, इन सब को लेकर के भी धामी सरकार से बात करनी है। वहीं पर यदि बात की जाए तो उत्तराखंड में प्रदर्शनकारी राज्य आंदोलनकारी जो हैं उनके संदर्भ में भी ये नई कानून आ सकती है, साथ ही साथ भूमि कानून को भी लागू किया जा सकता है। तो इस बात यह शीतकालीन चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। धामी सरकार ने पद्म